हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 17 फरवरी 2018 की प्रीलिम्स अपडेटर सीरीज में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम द हिंदू और पेबी की इंपॉर्टेंट न्यूज के साथ कुछ एमसीक्यूज है वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए हमारी डिस्कशन है वो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले जो न्यूज आई है वो आई है आज प्रसार भारती के बारे में। तो इसके बारे में जो न्यूज है वो देख लेते हैं कि क्या तो न्यूज है। न्यूज एक्चुअली है कि इसके जो सीईओ की जो अपॉइंटमेंट थी उसको लेके इशू था। अब हमारे लिए ये विवाद तो कोई काम का है नहीं, हमारे लिए जो बॉडी है इंपॉर्टेंट हो जाती है कि प्रसार भारती है क्या, क्या ये काम करती है और कौन इसको रेगुलेट करता है और क्या इसकी पूरी प्रक्रिया, वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि एक स्टेचुरी बॉडी है और इसके साथ एक ऑटोनोमस रूप से काम करती है। 1997 में से बनाया गया था, मतलब प्रसार भारती वो स्टेचुरी बॉडी है के साथ ऑटोनोमस बॉडी है। और काम इसका क्या है, इसका काम यह है कि जो पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर सेंटर का काम होता है वो करती है, जैसे कि ऑल इंडिया रेडियो उसको रेगुलेट करना, दूरदर्शन को रेगुलेट करना, ये सारे काम किसके द्वारा किए जाते हैं, प्रसार भारती के द्वारा। तो ये ध्यान रखना है। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात अगली आती है वो हमारे लिए आती है कि इसके सीईओ की अपॉइंटमेंट और इसके मेंबर्स। तो देखो सबसे बड़ी बात तो यह कि इसके जो सीईओ होते हैं उनकी अपॉइंटमेंट वो की जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि अपॉइंटमेंट वो की जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा और उसी के साथ इसमें 2 फुल टाइम मेंबर होते हैं और 6 होते हैं इसमें पार्ट टाइम मेंबर। तो ये चीज़ भी हमें ध्यान रखनी है क्योंकि अभी देखो न्यूज़ में है, पहले भी प्रसार भारती न्यूज़ में था, मैं लिए अगस्त के महीने में, तो यूपीएससी जो पे क्वेश्चन है वो पूछ सकती है कि 2 इसके फुल टाइम मेंबर होते हैं और 6 होते हैं उसके पार्ट टाइम मेंबर होते हैं। इसी के साथ सीईओ की जो अपॉइंटमेंट हमने देखा कि प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है, बट यहाँ पे सीईओ और जो मेंबर होते हैं इनको अपॉइंट करने के लिए एक मेंबर होता है 3 सदस्यों का। वो मेंबर में कौन कौन सदस्य होते हैं, 3 सदस्य, एक तो होते हैं वाइस प्रेसिडेंट, एक होते हैं प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन और तीसरे होते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेटेड कोई व्यक्ति। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है कि प्रधानमंत्री साहब का यहाँ पे कोई इन्वॉल्वमेंट है वो नहीं होता है। तो इस चीज के बारे में यूपीएससी बेसिक क्वेश्चंस पूछ सकती है, तो इसीलिए हमने आपसे कवर करने की कोशिश की है। तो इसके बारे में जो बेसिक पॉइंट थे वो हमने यहाँ पे क्लियर किए। अब चलते हैं हम आगे। अगली जो न्यूज है वो आई है इन्फॉर्मेंस डायरेक्टर के बारे में, इन्फॉर्मेंस डायरेक्टरेट के बारे में, ईडी प्रवर्तन निदेशालय के बारे में यह न्यूज आई है। न्यूज एक्चुअली कल भी थी, 2-3 दिन से आजकल न्यूज़पेपर में छाई हुई है। तो देखते हैं कि प्रवर्तन निदेशालय का काम क्या है और क्या ये है। देखो जिस तरीके से सीबीआई है वो हमारे देश में करप्शन वगैरह के केसेस हैं उनको बाहर करती है, हम लोग करप्शन केसेस को मामलों को सामने लेके आती है, ये सारे काम करती है, उसी तरीके से प्रवर्तन निदेशालय ईडी है वो हमारे देश में जो इकोनॉमी से रिलेटेड जो काम होते हैं, इकोनॉमी से रिलेटेड जो इन्वेस्टिगेशन काम होते हैं उनके लिए एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। तो यह हमें ध्यान रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात इसकी वही आती है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर की डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, उसके तहत इसे रेगुलेट आता है, उसके तहत इसे मॉनिटरिंग है वो की जाती है। तो ये चीज़ हमारी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि भाई होम मिनिस्ट्री वगैरह के अंतर्गत ये बिल्कुल नहीं आती है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू जो किसके अंदर आता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर के। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है। और एक इसकी बात वो आती है कि जैसे जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है फेमा और इसी के साथ जो पीएलएम है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, इन सबसे इन सब के जो भी केसेस होते हैं उनसे डील करती है। मतलब इंडिया से कोई पैसा बाहर भेजा जा रहा है, बाहर से पैसा इंडिया में आ रहा है, ब्लैक मनी का कोई ऐसा सीन होता है, उन सारे केसेस से डील करती है इन्फॉर्मेंस डायरेक्टर। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि प्रवर्तन निदेशालय का काम क्या है, ये चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। और इसके जो डायरेक्टरेट होते हैं उनको कैबिनेट कमेटी वो अपॉइंट करती है, मतलब प्रधानमंत्री के द्वारा इनकी अपॉइंटमेंट है वो की जाती है। तो ये चीज हमें यहाँ पे ध्यान रखने की, इसके डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट है वो प्रधानमंत्री साहब करते हैं, काम के वो हमने डिस्कस किया, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये आती है। अब चलते हैं हम आगे। अगली जो न्यूज़ है वो आई है नार्कोटिक्स स्कीम के बारे में, एंटी नार्कोटिक्स स्कीम। इसके बारे में कल क्वेश्चन भी पूछा था तो आज इसे हम कवर भी कर लेते हैं और हमारे जो करंट अफेयर है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो जो एंटी नार्कोटिक स्कीम है इसे गवर्नमेंट ने अभी फंड दिया है 5 साल के लिए और कि भाई आप और आगे कंटिन्यू रहिए। अब फंड वगैरह दिया वो तो कोई बात नहीं है, बट काम क्या है इसका वो देख लेते हैं। तो देखो ये होम मिनिस्ट्री के द्वारा संचालित स्कीम है, तो ये हमें ध्यान रखना है क्योंकि जो नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट वगैरह जो भी केसेस होते हैं वो होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है पहली बात। तो दूसरा, इसका इस स्कीम को इसलिए लेके आ गया है ताकि हमारे देश में जो ड्रग्स की ट्रैफिकिंग मतलब एक तरह की तस्करी होती है या फिर जो मनोवैज्ञानिक जो भी मेडिसिन होते हैं उनकी भी अवैध तरीके से इलीगल तस्करी वगैरह होती है, उन सबको रोकने के लिए ये क्या करेगी, ये स्टेट और जो सेंट्रल जो स्टेट और जो यूनियन टेरिटरीज हैं मतलब यूनियन टेरेटरी और स्टेट के बीच में एक तरीके से सामंजस्य स्थापित करेगी ताकि जो अवैध ट्रैफिकिंग वगैरह होती है उसको कंट्रोल किया जा सके। इसी के साथ इसमें होगा क्या, इसमें ही होगा कि जो एंटी नार्कोटिक जो एजेंसीज होती है ना उनको गवर्नमेंट फाइनेंशियल एड वो देगी, मतलब जो होम मिनिस्ट्री है वो फाइनेंशियल एड या थोड़ा पैसा देगी इनको एंटी नार्कोटिक एजेंसियों को ताकि वो और अच्छे से काम कर सकें और हमारे देश में जो मनोवैज्ञानिक और जो ड्रग पदार्थों की तस्करी होती है इलीगल तरीके से उसको रोका जा सके। तो इसके लिए स्कीम है वो आई गई है, तो हमें थोड़ा यहाँ पे ध्यान रखना है। अब चलते हैं हम आगे। अगली जो न्यूज़ है वो आई है फेम स्कीम के बारे में। तो क्या है फेम स्कीम, इसे हम पहले समझते हैं। फेम स्कीम का मतलब है फास्टर एडॉप्शन एंड
मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडिया इन इंडिया। तो ये हमें ध्यान रखना कि फेम, अब नाम से थोड़ा पता चल गया होगा आपको फुल फॉर्म से, बट कई बार यूपीएससी एग्जाम में फुल फॉर्म वगैरह नहीं देती है तो हमें थोड़ा पता होना चाहिए। फेम स्कीम है, इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हेवी इंडस्ट्री मिनिस्ट्री द्वारा ये स्कीम लेके आई गई है। काम क्या है इस स्कीम का मेन मोटो ये है कि इको फ्रेंडली व्हीकल्स है, इलेक्ट्रिक व्हीकल है, हाइब्रिड व्हीकल है इंडिया में, उनको बनाने के लिए प्रमोट है, उनको बनाया जाए, उन पर फोकस किया जाए। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। और यह किसका एक पार्ट है, यह हमारे देश में एक मिशन चलाया गया था, नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान, उसका ही एक पार्ट है। मतलब इस स्कीम का मेन मोटो यह है कि भाई हमारे देश में इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड व्हीकल बनाने हैं ताकि पोल्यूशन को कम किया जा सके, और मेन फोकस रहेगा वो रहेगा कि भाई जो ग्रीन हाउस गैसों का जो इश्यू हो रहा है उसको कम किया जा सके, और इसी के साथ जो रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज हैं उनके ऊपर ज्यादा ज्यादा मतलब एक तरीके से डिपेंडेंसी है वो बढ़े, क्योंकि जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो फॉसिल फ्यूल पर अगर निर्भरता बढ़ती है तो हमारे क्लाइमेट को काफी नुकसान पहुंचता है, तो उसमें बहुत सी दिक्कत होती है। अच्छा चलो आपको एक क्वेश्चन बताना है कमेंट बॉक्स में कि CO2 है वो ग्लोबल वार्मिंग गैस है या नहीं है। अब चलते हैं हम आगे, कोल्ड ने काफी परेशान कर रखा है 2-3 दिन से। अगली जो न्यूज है वो आई है रामालिंगा स्वामी री एंट्री फेलोशिप प्रोग्राम के बारे में। तो यह जो प्रोग्राम है यह प्रोग्राम है वो 2006-07 में चलाया गया था। किस लिए, देखो हमारे देश में ब्रेन ड्रेन के काफी बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, मतलब हमारे देश का जो टैलेंट है वो दूसरी कंट्रीज में जा रहा है, तो उसी बातों को मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट के द्वारा यह प्रोग्राम है वो चलाया गया था कि भाई हमारे देश में जो अच्छा टैलेंट है वो बाहर जा रहा है, क्योंकि उनको पैसा वगैरह नहीं मिलता है, फाइनेंशियल इश्यू होता है, इसलिए सारा टैलेंट बाहर जा, उस टैलेंट को रोकने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा ये स्कीम है वो लेके आई गई थी। मेनली यह डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा लाई गई थी, जो कि साइंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस के अंतर्गत आता है। इसका मेन फोकस यही है कि विदेशों के अंदर जो भी यूथ जो साइंटिस्ट हैं उनको एक तरीके से इंडिया की तरफ अट्रैक्ट करना, तथा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इंडिया के लिए उनसे काम करवाना, जैसे कृषि हुआ, स्वास्थ्य विज्ञान हुई, या फिर बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग हुई, या फिर एनर्जी हुई, इन्वायरमेंट हुआ, जो बायो इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट है, उन सब के लिए मेनली रिसर्च वगैरह को प्रमोट करने के लिए स्कीम है वो आई है। तो यह ध्यान रखना कि रामालिंगा स्वामी री एंट्री फेलोशिप प्रोग्राम किसके लिए है। अब चलते हैं हम आगे, अगली जो न्यूज़ है वो मेनली है उमंग और आधार ऐप के बारे में। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं न्यूज़ का, न्यूज़ एक्चुअली है कि उमंग ऐप और आधार है जो ऐप है इनको जो वर्ल्ड अभी गवर्नमेंट समिट 2018 हुआ था यूएई में दुबई में, उसी को लेके हैं कि वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2018 हुआ था उसमें इनको अवार्ड मिला है कि भाई सबसे अच्छे हैं, बहुत अच्छे एप्लीकेशन हैं, बेस्ट अवार्ड इनको दिया गया है। तो हम ये देख लेते हैं कि उमंग ऐप किस लिए है और आधार ऐप किस लिए। तो देखो आधार तो आपको पता है कि लार्जेस्ट बायोमेट्रिक इनेबल आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम है, ये तो हमने इतना डिस्कस किया इसके बारे में, तो ये तो आपको अच्छे से याद हो गया होगा। अगला है उमंग ऐप। तो उमंग ऐप इसलिए है कि हमारे देश में देखो क्या कि गवर्नमेंट बहुत से प्रोग्राम चलाती है, बहुत सी सर्विस वो चला रही है। अब दिक्कत क्या है, हर प्रोग्राम के लिए अलग सर्विस है, हर प्रोग्राम के लिए अलग एप्लीकेशन होते हैं, तो मतलब समस्या ये आ रही है कि लोगों को अलग अलग स्कीम के बारे में पता नहीं होता है कि भाई कौन सा गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, कौन सा सही नहीं है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने ऐसा रखा कि क्यों ना सारी जो भी प्लान्स, स्कीम, जो भी सर्विसेज हैं गवर्नमेंट के द्वारा दी जा रही हैं, जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनके द्वारा, उनको एक ही जगह दे दिया जाए, मतलब एक ही एप्लीकेशन में आपको सारी फैसिलिटी मिलेंगी। जिस तरीके से जैसे अभी गवर्नमेंट ने बनाया था ये उमंग ऐप, उसी का एग्जाम्पल ले लो कि उमंग ऐप में गवर्नमेंट ने यही किया कि जिससे आपको गैस बुकिंग करनी है, या फिर आधार का कोई काम है, या फिर क्रॉप इंश्योरेंस है या इसी के साथ जैसे पेंशन सिस्टम है, इन सारी चीज़ों को एक ही जगह रखा गया है ताकि अच्छा रिजल्ट है वो मिल सके और हमें कोई दिक्कत ना हो। तो ये ध्यान रखना कि उमंग ऐप किस लिए है और आधार ऐप किस लिए है। अब चलते हैं हम आज के क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो क्वेश्चन है पहला वो है INS अरिदमन के बारे में। तो आपको बताना कि IAS अरिदमन है वो क्या सबमरीन है, या फिर वो कोई टैंक है, या फिर किस तरीके का, उसके बारे में आपको बताना कि IAS अरिदमन है क्या। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है चोल साम्राज्य के बारे में। तो क्वेश्चन ये है कि चोल साम्राज्य का जो साम्राज्य जो था, प्रशासन था, उसके गवर्नेंस के बारे में आपको बताना है। पहला ऑप्शन ये दिया गया है कि भाई इसमें जो नाडू होते थे NADU, वो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई होती थी, तो क्या स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट ये है कि जो चोल साम्राज्य का जो प्रशासन था उसमें गाँव में स्वशासन था। तो दोनों स्टेटमेंट से आपको बताना कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अशोक के अभिलेख के बारे में कि अशोक के टाइम के जो अभिलेख हैं वो कहाँ कहाँ मिले हैं। धोली में मिले हैं, मस्तक में मिले हैं, कंधार में मिले हैं, या फिर गिरनार में। तो ये आपको बताना कि कहाँ कहाँ अशोक के अभिलेख वो मिले हैं, ये चार ऑप्शंस में थे। तो ये थी आज की हमारी डिस्कशन। तो एक बार हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं इससे पहले कि खांसी वगैरह है।
हाँ, पहली न्यूज थी प्रसार भारती के बारे में। तो जो हमने डिस्कस किया कि स्टेचुरी बॉडी है, ऑटोनोमस रूप से काम करती है, मैंने लिख क्या है कि इंडिया में जो ब्रॉडकास्टिंग सर्विस दी जाती है उनको रेगुलेट करती है। सीईओ की अपॉइंटमेंट हम देखा कि प्रेसिडेंट के द्वारा की अपॉइंटमेंट होकर जाती है, दो इसमें परमानेंट मेंबर होते हैं और छह होते हैं इसमें अस्थायी मेंबर। इसके बाद में मैं इन्फॉर्मेशन डायरेक्टर के बारे में डिस्कस किया, प्रवर्तन निदेशालय, जो कि जो भी फाइनेंशियल रिलेटेड केस होते हैं मनी लॉन्ड्रिंग या ब्लैक मनी से, उनको यह करो करती है। इसके बाद में हमने एंटी नारकोटिक स्कीम के बारे में डिस्कस किया, जो कि मेनली ड्रग और ड्रग ट्रैफिकिंग होती है उसको रोकने के लिए है और होम मिनिस्ट्री के द्वारा स्कीम है वो चलाई गई है। इसके बाद हमने फेम स्कीम डिस्कस की, जिसका मेन मोटो है कि भाई इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल है उनको प्रमोट किया जाए जिससे पॉल्यूशन कम होगा। इसी के साथ इसे लॉन्च किया गया था हेवी इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के द्वारा। इसके बाद में अगली जो न्यूज थी वो थी रामालिंगम री एंट्री फेलोशिप प्रोग्राम के बारे में, जो कि मेनली डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक जो कि साइंस एंड मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है उसके द्वारा इसे स्टार्ट किया गया था। काम यही था कि हमारे देश में जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है उसको रोका जाए और जो भी साइंटिस्ट इंडिया के साइंटिस्ट बाहर रह रहे हैं वो इंडिया के लिए काम करें। इसके बाद में अगली जो न्यूज़ थी वो थी उमंग ऐप और आधार ऐप के बारे में। तो उमंग ऐप हमने डिस्कस किया कि एक गवर्नमेंट का एक अहम गवर्नमेंट सर्विस अवार्ड है, जो कि सारी कैटेगरी की जो भी गवर्नमेंट के द्वारा सर्विस देते हैं वो एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाएंगी, तो आपको इधर उधर जगह जगह एप्लीकेशंस वगैरह नहीं भागना पड़ेगा। तो ये थी आज की हमारी डिस्कशन। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। आज थोड़ा खांसी की वजह से वीडियो थोड़ा हो गया है। एनीवे कोई नहीं, चलो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।